देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। एक और लॉकडाउन में सरकार संस्थाएं लोगों की मदद देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरबा जिले में काला बाजारी की सूचना मिली है। दरअसल प्रार्थी अनूप कुमार खत्री ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि कोरबा जिले में उचित मूल्य के दुकानदार लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। अनूप कुमार खत्री ने हमारे संवाददाता दयाशंकर तिवारी को बताया कि लाखों का घोटाला जिला खाद अधिकारी व जिला खाद इंस्पेक्टर मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, परंतु जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। कारण उचित मूल्य के दुकानदार मंत्रालय तक पहुँच रखते हैं। अब देखना है कि जिला कलेक्टर इस मामले की जाँच करवाते हैं या इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। प्रार्थी ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रार्थी खत्री का सुनिए बेखौफ खुलासा। मेरा नाम अनूप कुमार खत्री है। मैं लक्ष्मण मंत्रालय मंडल 11 का निवासी हूँ। अब क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ उचित मूल्य की दुकानों की कार्रवाई करवाने बाबत। किसको दिए हैं ज्ञापन? मैंने कलेक्टर साहब को दिया। कब दिए? 16 तारीख को या 23 तारीख को दिया हूँ। क्या है पूरी मामला बताओ। पूरा मामला है, दुकानों में जब है सब दुकानों में स्टॉक है। कितने दुकानें हैं? मैंने 34 दुकानें हैं कोरबा शहर की। शहर की? हाँ। तो जैसे क्या दुकान का ना एग्जांपल बताइए। कोरबा शहर की सब दुकानें जो है उचित मूल्य की दुकानें, इनके माल बांटने के बाद स्टॉक इतना पड़ा हुआ बैलेंस दिखाया जा रहा है। अच्छा। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर जून माह का डीओ कार्ड के इनके द्वारा फूड इंस्पेक्टर के द्वारा। कौन है फूड इंस्पेक्टर? जो सुनेश्वरी फूड इंस्पेक्टर। तो इसकी जानकारी फूड अधिकारी को नहीं है? इसकी जानकारी फूड अधिकारी को नहीं है। तो आपने मिला क्या? हाँ, इसको मिला और इसके द्वारा डीओ कटवा दिया गया, डीओ कार्ड दिया गया, सब दुकानों में माल चल गया क्योंकि गिनती ना हो सके। कितना का घपला है? करोड़ों रुपए का घपला है। करोड़ों रुपए का घपला है फूड इंस्पेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, और ये मिली भगत करके किया जा रहा है। हर दुकानों से 2-2 हज़ार रुपये वसूला जा रहा है। अच्छा। और इनके द्वारा राशन कार्डों में, दुकानदारों के द्वारा राशन कार्डों में 2 लीटर मट्टी तेल चढ़ाया जा रहा है, 1 लीटर मट्टी तेल चढ़ाया जा रहा है और टैबलेट में 2 लीटर चढ़ाया जा रहा है। ये कब से चालू है? ये हमेशा से चालू है, जब से दुकानें दुकानदार है, जब फूले फाले हैं, क्योंकि अधिकारी फूड इंस्पेक्टर जो है सुनेश्वरी हर दुकानों से पैसा लेता है 2-2 हज़ार रुपया। सुनेश्वरी पूरा नाम क्या है उसका? कुमार सुनेश्वरी। हरीश कुमार सुनेश्वरी फूड इंस्पेक्टर, पैसा लेना माहिर है। माहिर है और डरता नहीं है? डरता किसी से नहीं है, ना खाद अधिकारी से डरता है, ना वो मजिस्ट्रेट की सुनता है, ना किसी की सुनता है। एक आदमी ने ये स्टे लाया था दुकान का, स्टे का नहीं लिया क्योंकि उससे मोटी रकम लेके उसको दुकान दे दी गई। दुकान में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, उसकी कार्रवाई नहीं की गई। जैसे किस टाइप का घपला हुआ है? उसमें चावल पूरा ब्लैक कर दिया गया है, सब कर दिया, वो दुकान को दूसरे में अटैच करके फिर वही जो घपला किया उसी वही आदमी दुकान चला रहा है। तो जिसको निरस्त किया गया उस दुकानदार का क्या है? उस दुकानदार का दुकान निरस्त की नहीं गई, अटैच कर ली गई, तो उसको अटैच की गई है सुनील गुप्ता ने। सुनील गुप्ता ने? हाँ। जिसको निरस्त कर अटैच किया गया है उसका पहले वाला दुकानदार का क्या नाम? उसका नाम है पटेल, पटेल करके बोलते हैं। पटेल बोलते हैं? हाँ। वो उसका पूरा दस्तावेज है आपके पास? हाँ, सब कागज है, पूरा ओके है मेरे पास, ये पूरे कागज है। ये कितना? ये पूरे कागज है, दुकानों के बैलेंस वाले। कितना का घोटाला है खत्री? करोड़ों रुपए का घपला है। और आज फूड इंस्पेक्टर की पेमेंट कितनी है? जो इधर 10-15 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनकी तनख्वाह कितनी है? सीबीआई की मांग, सीबीआई जांच की मांग किया हूँ। हाँ, सीबीआई से भी किया हूँ, कलेक्टर मैडम रामविलास पासवान से भी भेजा हूँ, सबको भेजा हूँ। क्यों इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और गोदामों गोदाम की भी कार्रवाई की जाए। गोदाम कितनी संख्या में है? गोदाम में दो है गोदाम। कहाँ है? एक अपना उर्गा है, एक कोरबा। गोदामों की भी कार्रवाई की जाए, गोदामों का भी माल ऑडिट किया जाए। आज तक ऑडिट भी नहीं किया गया। मैंने जब से मैं देख रहा हूँ, हर बार मैं कार्रवाई कर रहा हूँ इसके लिए, इसी दुकान के चक्कर में, यही उचित मूल्य की दुकानों के चक्कर में
मैं दो बार अनशन में भी बैठ चुका हूँ। यही डिमांड था घपले का। फिर आप आवेदन दिए? हाँ, फिर आवेदन दे रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोरबा कलेक्टर को दिया हूँ और खाद्य मंत्री को दिया हूँ, रामविलास पासवान केंद्रीय और खाद्य मंत्री रायपुर छत्तीसगढ़ को दिया। मिला के कोरबा शहर में कितना घोटाला? करोड़ों रुपए का घोटाला है कोरबा शहर में, लंबे समय से चल रहा है। बिल्डिंगे तान के रखे हैं इन लोग, गरीबों का हक खा के, लॉकडाउन का फायदा उठा के एपीएल कार्डों का चावल बेच दिया गया। लॉकडाउन में मतलब धांधली हुआ, एपीएल कार्ड जो है बड़े बड़े पैसे वाले साहूकार हैं उनका चावल चढ़ा दिया गया, उसका पुख्ता सबूत है आपके पास? हाँ, चढ़ा दिया गया पूरा शहर के जितने हैं। हाँ हाँ, जो भी है चेक कर लीजिए, मैं मेरे साथ चले घर घर, मैं चेक करवा देता हूँ किसको उनको चावल नहीं उठाया। उसको चावल को उठा के खा गए, 17 रुपये किलो में बेच दिया गया। चलिए ठीक है।